अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको हम बता दें कि हाजीपुर से पंकज राय जो कि राजद के नेता है उनकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद सुनकर तेजस्वी यादव परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं परिजनों से मिलने के बाद देखिए इस वीडियो में। एक और अंकित का नाम बोले तो बहुत देर से खड़ा है, तुम अंदर जाओ, बुआ को देखो कि हम भैया सामान भेजते हैं। हम तुम्हारे भाई जैसे है, चिंता मत करो। पिता का हत्या हुआ तो पीड़ा तुम लोग को है काफी, बाकी जो संभव मदद होगा वो हम लोग है। सुपरविजन हो गया है ना इसका सारा, थोड़ा सपोर्ट घर में घुस करके मार रहा है आजकल, थोड़ा गश्ती वगैरह भी थोड़ा पेट्रोलिंग वगैरह भी थोड़ा करवाया, बात करता है न्याय मिलेगा सब लोग। तो फिर सुना तेजस्वी यादव किस प्रकार से बता रहे हैं कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कायम नहीं है। नीतीश कुमार बिल्कुल भी असफल है, गृह मंत्री भी हैं वो लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार के रहते हुए लगातार बिहार में अपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार क्राइम रिपोर्ट जो है वो तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल से अपडेट करते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है असफल देखे जा रहे हैं। और नीतीश कुमार के रहते हुए जिस प्रकार से लगातार बिहार में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, सुशासन की सरकार कही जाती है नीतीश कुमार की सरकार को, लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में, बीजेपी और नीतीश कुमार यानी कि एनडीए की सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहना है कि डबल इंजन की सरकार के रहते हुए जिस प्रकार से लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, अपराधियों का मनोबल जो है लगातार बढ़ रहा है, घरों में घुसकर व्यक्तियों की हत्या कर दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं निंदनीय है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। वहीं दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, उन्होंने कह दिया है कि जो लोग भी अपराधी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द न्याय करने की बात कह रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com।